विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को मिलेगी एक समान सैलरी। बीसीसीआई ने जारी कर दी है नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी विराट कोहली को एक अच्छा कप्तान के साथ साथ रोहित शर्मा को एक अच्छा बैट्समैन मानते हैं और जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा बॉलर मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को ए ग्रेड प्लस, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड खिलाड़ियों में कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के रूप में जारी किया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सालाना केंद्रीय अनुबंधन जारी कर दिया है। बीसीसीआई इसी अनुबंधन के हिसाब से खिलाड़ियों को सैलरी देगी। बीसीसीआई ने कप्तान कोहली, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ए प्लस कैटेगरी में रखा है और इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई ने जहां इन तीन खिलाड़ियों को ए ग्रेड में रखा है तो कैटेगरी में कुछ खिलाड़ियों को ए ग्रेड में भी रखा है, वहीं 10 खिलाड़ियों को कैटेगरी सी में रखा गया है। दोस्तों बात करें कैटेगरी ए की तो इसमें हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, ऋषभ पंत के नाम शामिल है। इन सभी खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों बीसीसीआई के नए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पहले ही केंद्रीय अनुबंधन मिल चुका है जो कि ग्रेड सी में है। इन दोनों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। वही तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में ग्रेड बी में रखे गए हैं और इन्हें सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों बात करें ग्रेड बी के खिलाड़ियों को तो इसमें रिद्धिमान शाह, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर और मयंक अग्रवाल शामिल है। दोस्तों ग्रेड सी की बात करें तो इसमें कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, दीपक चहर, शुभमन गिल, हनुमा बिहारी, अक्षर पटेल, सुरेश अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है। तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।